इनके पास कहना कुछ नहीं है, 11 महीने हो गए सरकार लगभग, और कुछ गवर्नेंस नहीं है। इनको चाहिए कि सब काम छोड़ के गुड गवर्नेंस पर ध्यान दे, उससे जनता का भला होगा। मैंने कहा सर्कस की तरह सरकार है, मेरी कोई दुर्भावना नहीं थी, डेमोक्रेसी है, सरकार बदलती रहती। मान लो झूठ बोल बोल के सरकार लेके आ गए, 5 लाख दिए हिंदू को, 50 दे दिए मुसलमान को, इससे बड़ा सफेद झूठ में हो सकता है क्या? हमारे सरकार के समय जो अच्छी योजनाएं थी वो इन्होंने बंद कर दी, एक योजना कोई जनहित की इन्होंने लागू नहीं की है। कल तक जिनकी भवानी सो रही थी, वो भाई को टिकट मिलते ही वो भवानी जाग गई। भतीजा, खुद भाई, और कल गोलमा जी का भी परिचय कराते थे, करा रहे थे, लेकिन अब वो तो है ही नहीं, खाली नहीं है, सब हो जाएंगे चुनाव। इनके पास कहना कुछ नहीं है, 11 महीने हो गए सरकार लगभग, और कुछ गवर्नेंस नहीं है। सब लोग जानते हैं कि क्या स्थिति है, किसी गांव में चले जाओ लोग हमारी सरकारी योजनाओं को लोग याद कर रहे हैं। ये तो आपके मैं कह रहा हूँ, किसी गांव में चले जाओ उसका मतलब क्या है? तो इनको चाहिए कि हमारी योजना बंद करें, स्वास्थ्य योजना थी चिरंजीव कमजोर कर दिया, अन्नपूर्णा किट बंद कर दिया, पेंशन टाइम पर आ नहीं रही है, बच्चों को स्कूल से नहीं मिल पा रही है, तो सब क्षेत्रों में भिखारी काम रुक गए। कॉलेज की बिल्डिंग, तहसील बिल्डिंग, एक माहौल बन गया था विकास का, वो ठप हो गया। तो इनको चाहिए कि सब काम छोड़ के गुड गवर्नेंस पर ध्यान दे, उससे जनता का भला होगा। मैंने कहा सर्कस की तरह सरकार है, मेरी कोई दुर्भावना नहीं थी, इसलिए मैंने कहा इनकी आंखें खुले, अच्छी शासन दे तो उसका भला पब्लिक को मिलेगा। डेमोक्रेसी है, सरकार बदलती रहती। मान लो झूठ बोल बोल के सरकार लेके आ गए, 5 लाख दिए हिंदू को, 50 दे दिए मुसलमान को, इससे बड़ा सफेद झूठ में हो सकता है क्या? तो आप सोच सकते हो कितने झूठ बोलने वाले लोग हैं, पर सरकार बन गई अब इनकी। तो मैं चाहूँगा वो अच्छी सरकार दे, सुशासन दे, जनता का भला करे। सर, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस वाले हैं जो परिवारवाद का नाम लेकर जनता को, परिवारवाद यहाँ आपके दोसा में तो जीता जागता है। देखिए, 7 जगह चुनाव है, आज नामांकन का आखिरी दिन है, हम लोग आज दौसा में आए हैं। डीसी बैरवा जो हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस एकजुट है, और जो हमारे सरकार के समय जो अच्छी योजनाएं थी वो इन्होंने बंद कर दी, एक योजना कोई जनहित की इन्होंने लागू नहीं की है, और केवल कांग्रेस को गाली निकाल करके 10 महीने का समय व्यर्थ इन्होंने गंवा दिया है। कल तक जिनकी भवानी सो रही थी, वो भाई को टिकट मिलते ही वो भवानी जाग गई, तो फिर वो जो SI की भर्ती का निरस्त है, बेरोजगारों की पीड़ा, पत्थर तोड़ने वाले को मौका मिलना चाहिए, वो सब डायलॉग किस बात के लिए थे? ये राजस्थान की और दौसा की जनता किरोड़ी जी से पूछ रही है। सर, परिवारवाद की बात करते थे भाजपा, क्या परिवारवाद की बात करते? भतीजा, खुद भाई, और कल गोलमा जी का भी परिचय करा रहे थे, लेकिन अब वो तो है ही नहीं, खाली नहीं है, सब हो जाएंगे चुनाव।